अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल के लिए, मतलब के जो हमें कोई भी चीज़ जब ख़रीदनी है तो हम क्या करते हैं, उसके बदले में हम कहते हैं कि हम पैसे दें, रुपीस दें, डॉलर्स दें, रियाल दें। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ़ करेंसी होती है, तो जब हमें कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, हम करेंसी देते हैं और करेंसी के ज़रिए हमें एनर्जी मिल जाए, हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाती है। इसी तरह जो सेल है उसकी क्या करेंसी है, किस से उसे एनर्जी या उसकी रिक्वायरमेंट मिलती हैं, तो उस करेंसी को कहते हैं कि वो एक एटीपी का मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी है, मतलब कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, किसी भी वर्क को, किसी भी काम को, मेटाबॉलिज्म को होने के लिए। सो मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, जिसे हमने क्या नाम दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब वो कहता है कि जो एटीपी है ये मेजर एनर्जी सोर्स है हमारे सेल के अंदर मुख्तलिफ कामों के होने के लिए, जैसा कि सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स, ग्रोथ एट्सेट्रा। के मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेजर एनर्जी सोर्स जो है वो एटीपी ही है। अब वो कहता है कि एटीपी में इतनी एनर्जी, एनर्जी करेंसी है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो अगर एटीपी बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है तो किस शक्ल में हमें एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो एटीपी में एनर्जी स्टोर होने का जो वजह है वो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कि उसका मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मॉलिक्यूल देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, एक एडिनिन बेस है, एक पेंटोज शुगर है और 3-फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जो उसके साथ अटैच हुए हैं। सो जो एडिनिन बेस है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर, उसके साथ 5 कार्बन, 5 एंड 5 कॉर्नर्स, जिनके ऊपर 5 कार्बन लगे होते हैं, वो शुगर का मॉलिक्यूल एक अटैच है, जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और साथ में 3 लीनियर फॉस्फेट ग्रुप अटैच। इस पूरे मॉलिक्यूल को कहते हैं एडिनिन, क्योंकि एडिनिन बेस है, और ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो उसके साथ अटैच हुए हैं। तो ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है। अब हम पढ़ते हैं कि कहाँ पे स्टोर हुई है। इसके मोलेकुलर स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होगा कि 3 फॉस्फेट जहाँ पे लीनियरली अटैच हैं, उसमें तीनों के दरमियान एक एक टाइप का बॉन्ड नज़र आ रहा है जो कोवलेंट बॉन्ड है। इस बॉन्ड को जो फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान है, इसे टिंडी या टिंड कहते हैं। टिंड जो है ये एक बॉन्ड है जो फॉस्फेट के दरमियान अटैच है 3 फॉस्फेट के ग्रुप के पास, और इस बॉन्ड के अंदर जो है वो एनर्जी जो है स्टोर होती है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी जो है वो हासिल होगी। तो एनर्जी कैसे हासिल होगी, अगर हमें एक एटीपी के मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल करनी है तो हमें जो टिल्डी है या टिल्ड बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड जो फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में है, तो वो तोड़ेंगे तो उसके टूटने से हमें एनर्जी जो है वो हासिल होगी। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास एडिनिन ट्राइफॉस्फेट है, तो जब एडिनिन ट्राइफॉस्फेट वाटर के साथ मिलता है तब इसका बॉन्ड टूटता है, और एक जो फॉस्फेट ग्रुप सबसे एंड वाला होता है उसका बॉन्ड टूटता है, और उसके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज हुई और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, तो अब हमारे पास एटीपी के मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है। इसका मतलब अब हम उसे एटीपी नहीं कह सकते, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं कह सकते, क्योंकि अब 3 फॉस्फेट तो मौजूद ही नहीं है। अब उन्हें हम उसे क्या नाम देंगे, एडिनिन डाइफॉस्फेट। अब वो बन जाएगा ADP, एडिनिन डाइफॉस्फेट। इसका मतलब कुछ एनर्जी जो रिलीज हुई वो फॉस्फेट के बॉन्ड टूटने से हुई। अब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, वो 7.3 किलो कैलरीज, 7.3 किलो कैलरीज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है फॉस्फेट के एक बॉन्ड टूटने से, जिसे हम टिल्ड या टिल्डी का नाम देते हैं। अब ये एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी चाहिए।
अगर तो एक फॉस्फेट की बॉन्ड टूटने से उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो एडीपी जो है वो उसी शक्ल में रहेगा। अगर उसको और एनर्जी चाहिए, अब इसका मतलब है कि एक और टिल्ड हमें तोड़ना पड़ेगा, एक और फॉस्फेट का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ताकि हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को हासिल कर सकें। अब जब हम उसे तोड़ेंगे तो इसका मतलब एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब वाटर मिलेगा एडीपी के साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया। उसके रिलीज होने से अब हमारे पास एटीपी के मॉलिक्यूल जो था उसमें एक फॉस्फेट बचा। इसका मतलब अब हम ना तो उसे ट्राईफॉस्फेट कह सकते हैं ना उसे डाईफॉस्फेट कह सकते हैं, और वन फॉस्फेट है इसका मतलब वन को कहते हैं मोनो। इसका मतलब अब हम उसे कहेंगे एडिनिन मोनोफॉस्फेट एएमपी। अब मजीद 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलेगी और हमारी जो सेल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें यूज होगी और वो अपने काम को आसानी से अच्छे तरीके से सर अंजाम देगा। इसी तरह जो हमने उससे एनर्जी हासिल कर, अब जब हम कोई फूड खाएंगे तो उसका बॉन्ड जब टूटेगा उससे एनर्जी जब निकलेगी बॉन्ड टूटने से, तो इसी तरह अगर हमारे पास अब एएमपी मौजूद है तो फॉस्फेट जो है वो आके अटैच होगा, टिल्ड बनेगा और एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वही 7.3 किलो कैलोरीज वापस उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, तो वो एएमपी से एडीपी बन जाएगा। अब जब फिर और हम कोई चीज खाएंगे उसके तोड़ने से उसमें से एनर्जी रिलीज होगी तो फिर एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी उसको मिल जाएगी। इस तरह ये एक सर्कल चलता है कि जब हम फूड खाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है जो हम एटीपी से लेते हैं, और जब वो फूड टूटता है टूटने के बाद वो एनर्जी रिलीज करता है जो फिर वो एडीपी को या एएमपी को एटीपी में कन्वर्ट करके एनर्जी को उसके अंदर स्टोर हो जाता है। इस तरह एक सर्कल चलता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, उसने काम किया, काम करने के बाद फिर वो पोटेंशियल में पोजीशन में स्टोर हो गई। इस तरह जो है एटीपी हमें एक एनर्जी करेंसी है, मतलब हमने एनर्जी लेने के लिए एटीपी जो है उसको यूज करना, जैसे हमने बाजार से कोई भी चीज लेनी है तो हमारे मुल्क की करेंसी को हमने इस्तेमाल करना होता। नेक्स्ट लेक्चर हम आगे स्टडी करेंगे, टुडे एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। That's all. Thank you.